हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग रियाज लाइव लोकेशन। और आज मैं हूँ हिंदुस्तान के महाराष्ट्र स्टेट के पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये लोकेशन पुणे सिटी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस लोकेशन का नाम है वरकुटी खुर्द। और ये लोकेशन पुणे सोलापुर नेशनल हाईवे 65 के करीब है। तो चलिए देखते हैं कि आज रियाज लाइव लोकेशन में क्या खास है। हाय, वेलकम टू माय ब्लॉग रियाज लाइव लोकेशन। और फिलहाल मैं अपने खेत में हूँ और खुद ही काम कर रहा हूँ। और आज काम करने का एक अलग मकसद है, आपको बताता हूँ। मेरे पास कुछ प्लांट है, गेस करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यस, इट्स अ कस्टर्ड एप्पल, राइट? सो नाउ वी आर प्लानिंग टू डू फार्मिंग ऑफ कस्टर्ड एप्पल। एक्चुअली कस्टर्ड एप्पल के काफ़ी सारे फायदे हैं। विटामिन ए, विटामिन सी की मात्रा हमें अपने बॉडी को जरूरत होती है, जो कस्टर्ड एप्पल खाने के बाद मिलती है। और साथ ही साथ जिन लोगों को कार्डियक की तकलीफ है या फिर हार्ट के डिसीज है, उन लोगों के लिए कस्टर्ड एप्पल खाना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल वी जस्ट स्टार्टेड ग्रोइंग, यू नो, तो मैं सोचा कि चलो खुद ही ट्राई करते हैं, प्लांटेशन करते हैं और देखते हैं हाउ इट वर्क्स। As you can see that we planted these things, और मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर या झाडाचं अंतर आणि त्या झाडांचं जवळपास 10 फूट आहे। तुम्ही पाहू शकता तिथे एक त्या झाडेस लागून केली, आणि डाळिंबीच्या बागेमध्ये एका झाडाचं मध्ये मध्ये अंतर लावून हे प्लांटेशन करण्यात आलेलं आहे। खरं तर ऑलिव्ह ड्रिपची सोय असल्यामुळे पाण्याचा काहीच प्रश्न होता, त्यामुळे आम्ही ॲडिशनल पाईप जोडून इथं पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे। त्याच्यामध्ये अख्खर टाकलेलं आहे और काफ़ी सारा मिक्सचर्स इसमें ऐड किया गया ताकि ये प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो हो। ठीक है, देखते हैं। और इस फ्रूट्स को उगाने के लिए तकरीबन 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर, मतलब आज से लेकर तकरीबन 2 साल के बाद ये बढ़ेगा और उसके फ्रूट्स हमें खाने को मिलेंगे। तो देखते हैं, वी जस्ट स्टार्टेड एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और कई वीडियोज़ है बनाने के लिए, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा मैं आपको और वीडियो बनाता जाऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। माय प्राइड माय नेशन एंड रियाज लाइव लोकेशन, थैंक यू सो मच गाइस, सी या, बाय बाय।